नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का मेट्रो सिटी में। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 2 नवंबर को नतीजे भी हम सबके सामने आ जाएंगे। आने वाले चुनाव परिणामों को लेकर इनेलो प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर। उनसे जानते हैं कि क्या आंकड़े कहते हैं, क्या उनकी स्टडी कहती है ग्राउंड पर के अब रिजल्ट में क्या आ गया, क्योंकि आईएनएलडी के अभय चौटाला वहां से एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जी तंवर साहब, देखिए जिस प्रकार से ये चुनाव क्यों हुआ उस पर छोटी टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। आज इस चुनाव का कारण क्या बना, निसंदेह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो काले कानून लेके आए उनके विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में अभय सिंह चौटाला जी ने त्यागपत्र दिया, उसके बाद ये चुनाव हुए। ये चुनाव किसी पार्टी या दल का चुनाव नहीं है, ये किसान और पूंजीपति व्यवस्था के बीच कहीं ना कहीं एक जनमत संग्रह है। ये चुनाव ये तय करेगा कि इस प्रदेश का और इस देश का किसान पूंजीवादी व्यवस्था के तहत अपने आप को सुरक्षित महफूज करता है, या जो किसान आंदोलन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये काले कानून लेके आए क्या उनका समर्थन करता है कि विरोध करता है। यही विषय था। और जिस प्रकार से विगत के जब से चुनाव शुरू हुआ और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हुआ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना यह भी चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है कागजों में, और जननायक जनता पार्टी भी चौधरी देवीलाल की विरासत का दम भरती है, लेकिन जिस प्रकार से दोनों पार्टी पास उम्मीदवार भी नहीं था और दोनों पार्टियों के संगठन ने, दोनों पार्टियों के गठबंधन ने एक आयातित उम्मीदवार को इलाहाबाद में उतारा, और उसके साथ साथ कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार नहीं था, कांग्रेस भी एक दूसरे दल से आए हुए उम्मीदवार को वहां पे उतारा। निसंदेह इन दोनों पार्टियों के जितने भी लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं सबकी जमानत जब तोड़ी तय है। जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में ये पार्टियां धरातल पे लोगों के बीच नहीं जा पाई उससे अपने आप में चुनाव का परिणाम स्पष्ट हो जाता है। तो और सब एक बात बड़ी तेजी से आ रही है और हर दल उस बात को उठा रहा है कि अभय चौटाला ने अगर दोबारा चुनाव लड़ना था तो उन्होंने रिजाइन ही क्यों दिया, क्यों प्रदेश के ऊपर एक उपचुनाव छोड़ा थोपा। विषय त्याग पत्र क्या नहीं है, विषय किसान आंदोलन को समर्थन देने का था। जिस प्रकार से किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसमें जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने उसको दबाने की कोशिश करी, इंडियन नेशनल लोकदल ने और इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक ने उस वक्त कहा था कि सरकार चेत जाए और 26 जनवरी से पहले इन कानूनों को वापस ले, नहीं तो वो विधानसभा से त्यागपत्र दे देंगे। निसंदेह इन्होंने 26 जनवरी से पहले नहीं लिया, हालांकि 26 जनवरी को भी जिस प्रकार से इन्होंने किसान आंदोलन को समाप्त अपने लोगों के द्वारा करवाने का प्रयास किया वो इस देश और प्रदेश की जनता ने देखा। बात के धनी है जबान के सच्चे हैं, उन्होंने अपनी बात पे कायम रहते 27 जनवरी को इस्तीफा दिया। उसके बाद हालांकि चुनाव तो पहले होना चाहिए था लेकिन चुनाव से डरते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में भी देरी करी, और इसके बाद ना इनके पास जब 8 महीने से कोई उम्मीदवार नहीं है आप इस बात का स्वयं आकलन कर सकते हैं। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में पूर्णतः विफल हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं। आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल जो उसकी पुराना समय था उसी दौर में वापस आएगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ सुखबीर तंवर जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय चौटाला सभी की जमानत जब्त कराकर विजयी होंगे। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन सिंगला ने हर खबर हरियाणा से खास बातचीत किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। के बढ़ते दामों से चौतरफा महंगाई की मार आम आदमी पर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से चौतरफा महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है, और विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर मुखर हो रहा है। और आज हर खबर हरियाणा के साथ फरीदाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन सिंगला जी मौजूद हैं। लखन जी, लगातार शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते, आम आदमी बेहाल है, विपक्ष के नाते क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आम आदमी जो इस परेशानी से है वो निकल कर
लेकर बाहर आ सके। मैं तो सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार हर मुद्दों में फेल हो चुकी है। जो नारा देकर इन लोगों ने लोगों को बहकाकर सरकार बनाने का काम करा था वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ। इन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल, लेकिन आज हमारा युवा सड़कों पे घूम रहा है, बेरोजगार है। 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, वो भी बात झूठी साबित हुई। जो चौक पर लेबर काम कर रही है, जो चौक पर हमारा बेलदार है, मजदूर है, क्या उसकी 500 रुपए से 700 रुपए लेबर का रेट बढ़ा है क्या मजदूर का? क्या जो मिस्त्री हमारा 700 रुपए में काम कर रहा है, पहले भी करता था इसी रेट में, क्या GST और महंगाई बढ़ने के बाद 700 रुपए से क्या उसकी 1000 रुपए लेबर बनी है क्या? क्या फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाला मजदूर जो काम कर रहा है, क्या उसकी तनख्वाह GST के हिसाब से, या जो घरेलू सामान हम यूज करते हैं उसके रेट बढ़ने की वजह से क्या उसकी तनख्वाह बढ़ी है? क्या किसान की फसलों के दाम बढ़े हैं? लेकिन लखन जी, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि कोरोना में राजस्व की जरूरत पड़ी, उस वक्त फंड्स जो थे वो शॉर्ट पड़े थे, तो उस वजह से भी महंगाई की मार। मुझे ये भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री एक दफे मंच पर आमने सामने बैठ कर ये बताए कि 7 साल के अंदर फरीदाबाद के अंदर समार सिटी के नाम पर ये चीज आई है, समार सिटी के नाम पर फरीदाबाद को खोद के गिर दिया। खाली यहाँ के MLA मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठे उद्घाटन करते हैं, रोज झूठे पत्थर लगाते हैं। जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में निर्माण हुए उसकी सफेदी पेंट करने का काम भी इनकी औकात नहीं है करने की। बिल्कुल, देखिए महंगाई को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से गरमाया हुआ है और अब देखना ये होगा कि सरकार इस महंगाई से राहत दिलाकर जो है विपक्ष को करारा जवाब देती है, या फिर इसी तरह से आम आदमी को महंगाई के बोझ तले अभी भी दबना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। फरीदाबाद में बढ़ती महंगाई को देखकर अब लोगों के सब्र का बांध भी टूट चुका है। महिलाओं ने BJP सरकार को महंगाई को लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही है। वहीं जब सब्जी विक्रेता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही है और 2 महीने तक फिलहाल सब्जियां ऐसे ही महंगी रहेगी। घर का बजट सिलेंडर देख लो, सब्जी देख लो, बच्चों की फीसें देख लो, हर एक चीज़ पे असर है। कोई भी चीज़ हो, बंदे का जीना मुश्किल हुआ हुआ है। सिर्फ एक जान है जो बंदे की सस्ती, और कुछ भी नहीं। कोई भी पार्टी है, किसी को भी देख लो, कोई भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, आम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सब ये धर्म के नाम पे लड़ाई, किसी को इधर किसी का भी ध्यान नहीं है। बच्चों के जब स्कूल बंद है तो क्यों उनसे फीसें क्यों ली जा रही है? पहले ये पूछो, आधी कर दो कम से कम, बच्चों की फीस आधी कर दो। जब स्कूल की मेंटेनेंस नहीं, कोई आप सफाई नहीं, बिजली का बिल नहीं, तो उनको कुछ तो करो। नेट पे भी उनका वो लगाओ वाईफाई, बच्चों पे पेट्रोल डीजल के दाम पे आग लगी हुई है, रोज बढ़ते हैं। तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अब लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है, लोगों के घर का बजट बिगड़ चुका है, पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं, तो वही डीजल के दाम 100 तक पहुंचने की कगार पर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा जुड़ चुकी है। पूजा जी, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों में भी सरकार के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड पर जाती होगी पूजा, लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए बढ़ती महंगाई के कारण लोग काफी परेशान हैं और सीधे तौर पर लोगों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि महंगाई जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, आय के साधन उसी तेजी के साथ कोरोना की वजह से घट गए हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति जो है 10,000 रुपए महीना कमाता है तो उसके लिए अपने परिवार का पेट पालना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब्जियों के ही दामों की यदि बात कर ले तो जो टमाटर के रेट है आसमान छू रहे हैं, बाकी जो सब्जियां हैं इतनी महंगी हो गई है
है कि अब लोगों ने खपत को घटा दिया है। जो लोग देखिए, महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां टमाटर का इस्तेमाल होता था, अब टमाटर महंगे होने के कारण लोगों ने अमचूर यानी खटाई का इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिया है। खट्टे के लिए नींबू का इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां भी बचत कर सकते हैं लोग जो है महंगाई के चलते जो है बचत का विकल्प अपना रहे हैं। पूजा त्योहारों का सीजन है, ऐसे में बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर को तोड़कर रख दिया है। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बल्कि सब्जियों के दाम भी सातवें आसमान पर है। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल के दामों का असर हर चीज पर पड़ा है और महंगाई इस त्योहारी सीजन में जमकर देखने को मिल रही है। छोटे से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति यदि लोग बाजार में खरीदने जा रहे हैं तो 300 से 400 रुपए तक की मूर्ति वो मिल रही है जो शायद पिछले साल 100 रुपए में उपलब्ध थी, यानी कि कई गुना जो है महंगाई बढ़ गई है। और ऐसे में धनतेरस का त्योहार नजदीक है, जब बहुत ज्यादा खरीदवारी की जाती है, परंपरा है बर्तन खरीदने की, तो ऐसे में अब लोग चम्मच और भगवान की घंटी खरीदकर ही त्योहार मनाने की इतिश्री कर रहे हैं, क्योंकि जेब जो है काफी हल्की कर दी है इस महंगाई ने। और जिस तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम लगभग रोजाना बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोग कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए एक बचत का विकल्प लेकर चल रहे हैं, ताकि अगर तीसरी लहर आती भी है तो भी कम से कम उनके पास इतनी सेविंग जरूर हो, लेकिन ताकि वो कोरोना की मार से बच सके। लेकिन साथ ही साथ सेविंग से ज्यादा उन्हें इस चीज की चिंता हो रही है कि अब वो अपना घर चलाएं कैसे, क्योंकि मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी है लेकिन महंगाई बढ़ गई है, तो ऐसे में किस तरह से घर का बजट जो है वो बनाया जाए, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूजा, के सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई योजना बनाई गई है ताकि महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि लोगों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि महंगाई पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए। देखिए, हमने जब सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे कई बार बात की, लेकिन महंगाई को लेकर एक रटा रटाया जवाब जो जनप्रतिनिधियों के पास होता है कि लोग जो है छोटी चीजें देख रहे हैं, देश के विकास की बात की जाए उसके लिए पैसा जरूरी है, और इसके जो चीजों से जिनसे महंगाई से या अन्य कारकों से लोग जूझ रहे हैं उसके आगामी कई सकारात्मक परिणाम देश की तरक्की के तौर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में जो आम आदमी है वो सीधे तौर पर सवाल से यही सरकार से सीधा यही सवाल कर रहा है कि आखिर जब वे अपना घर चला पाएंगे, अपना अस्तित्व बचा पाएंगे, तो ही वे किसी के चीज के परिणाम देख सकते हैं। तो फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ऐसा संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जिसकी वजह से उनकी बेबसी और मजबूरी साफ देखी जा सकती है। लोगों ने जो 1 किलो सब्जी खरीदते थे अब 250 ग्राम पर आ गए हैं, दालों की खपत ना के बराबर कर दी है, वायरल का सीजन चल रहा है, डेंगू मलेरिया का सीजन चल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अपना पेट भरे या फिर जिस तरह से डॉक्टर जो है उन्हें सलाह देते हैं कि इस वक्त डाइट को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, पौष्टिक खाना लेना जरूरी है, संतुलित भोजन ग्रहण करें, तो ऐसे में उनकी थाली में किस तरह से पौष्टिक भोजन आएगा ताकि वो बीमारियों से बचे रहे और महंगाई का बोझ भी ना पड़े, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का बजट अब बिगड़ चुका है, त्योहारी सीजन है, ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फरीदाबाद में साई धाम संस्था ने एक अच्छी पहल की है। संस्था की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिरडी साई बाबा टेंपल सोसाइटी फरीदाबाद ने महिला सशक्तिकरण सैनिटरी पैड बनाने की आधुनिक मशीन लगाई है, जिसमें हर रोज उच्च गुणवत्ता युक्त सैनिटरी पैड बनाए जा रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने यहाँ का जायजा लिया, आप भी देखिए। फरीदाबाद का साई धाम ट्रस्ट जन कल्याण के कार्यों में हमेशा लगा रहता है। अभी इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो है सैनिटरी नैपकिन बनाकर वो गरीब लोगों तक, स्कूलों तक या जो दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ की बच्चियों और महिलाओं तक पहुँचाने का, और ये बहुत बड़ा एक कार्य है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ये मशीन है, ये मशीन सैनिटरी नैपकिन जो बनती है ये मटेरियल है उसका, और ये मशीन है, और ये मशीन से जो नैपकिन बनती है ये है,
और ये लगभग 200 ml पानी जो है वो सोख सकती है। तो ये बहुत उम्दा क्वालिटी की और कीटाणु रहित जो है ये नैपकिन यहाँ पे बनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है और एक ये बहुत बड़ा नेक कार्य है। हिंदुस्तान में जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, वो गंदा कपड़ा महामारी में यूज करती हैं, जिससे उनको बहुत अनाप अनाप की बीमारियां हो जाती हैं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी बात को निर्धारित देखते हुए हमने एक बहुत आधुनिक मशीन लगाई है, जिसमें हम सैनिटरी नैपकिन बना रहे हैं और इसका निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, ताकि गरीब लोगों को, गरीब महिलाओं को इसका ये मिले और उसका वो यूज करें और बीमारी से बचें। हिंदुस्तान में अगली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को देश की एकता की शपथ भी दिलाई गई। वहीं जिला खेल अधिकारी जेके बनर्जी ने बताया कि हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को लौह पुरुष के बारे में बताया जा सके और उन्हें उनकी राह पर चलने की शिक्षा भी दी जा सके। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें नेहरू स्टेडियम की है, जहां पर ये दौड़ रखी गई, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, लोगों को देश की एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें उनकी राह पर चलने की शिक्षा भी दी जा सके। तो नेहरू स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रन फॉर यूनिटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वल्लभ भाई पटेल की जो है राष्ट्रीय एकता, और इसकी वजह से आज सारे इंडिया गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हर जिले में इसका आयोजन किया गया, ताकि बच्चों को उनके जो है दिए हुए जो भी शिक्षा और उनके द्वारा जो भारत की अखंडता को मेंटेन करने के लिए और उसको बच्चे अपने जीवन में पालन करें, उसके लिए ये रखा जा। इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, गुरुग्राम में किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई? जी देखिए, गुरुग्राम में आज सुबह एक मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 200 से 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया और डीसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम तोमर ने उनको हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने का उद्देश्य ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है हमारे, उनको ये बताया जाए कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवन में देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया था। और साथ ही वहां पर एक शपथ भी दिलाई गई बच्चों को कि हम आगे आने वाले समय में अपने देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखेंगे और इसमें अगर कोई विघ्न डालता है तो हम उसके खिलाफ होंगे। प्रवीण, इस रन फॉर यूनिटी में किस किस ने भाग लिया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? जी, इसमें देखिए जो गुरुग्राम में खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, उसके अलावा शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी वहां मौजूद थे। और ये मैराथन कुछ छोटा रखी गई थी ड्यू टू कोविड प्रोटेक्शन, तो 2.5 से 3 साल की किलोमीटर की मैराथन रखी गई थी, जिसमें जो छोटे बच्चे थे उनके लिए 1 किलोमीटर की मैराथन रखी गई थी और सभी बच्चों को फिर पुरस्कृत किया गया जो प्रथम और द्वितीय अर्थ से आए। शुक्रिया प्रवीण शर्मा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
फरीदाबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति सज्जन कुमार जैन ने हर खबर हरियाणा की लॉन्चिंग पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया समाज का आईना होता है और उसे समाज के हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कार्य करने चाहिए। वहीं हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने उद्योगपति सज्जन कुमार से बातचीत की, सुनिए। सज्जन कुमार जी, आपका हर खबर पे स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका जो जमीनी सफर है वो कहां से आपने शुरू किया और बिजनेस की बुलंदियों तक आप किस तरीके से पहुंचे हैं, थोड़ा उसका विवरण दें। धन्यवाद कौशिक जी। सबसे पहले तो मैं साधना चंद्र को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने हर खबर हरियाणा चैनल को लॉन्च किया है। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपनी शुरुआत बिजनेस की फरीदाबाद से ही शुरू की है। 68 में मैं फरीदाबाद पहली बार आया हूँ और एक डेढ़ साल मैंने एक किसी कंपनी में पहली और आखिरी नौकरी की थी। उसके बाद मैंने एक सिंगल मशीन से ही अपना भविष्य स्टार्ट किया था। नमस्कार, मैं हूं बीडी कौशिक हर खबर चैनल से। हमारा विभिन्न शख्सियतों से मिलने का दौर जारी रहता है और आज हम बात करेंगे इंडो ऑटोटेक के चेयरमैन सज्जन कुमार जैन जी से। तो आइए बात करते हैं कि उनका अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और उन्होंने किस तरीके से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, इस विषय पे उनका क्या कहना है। तो आइए बात करते हैं। तो हर खबर को बधाइयां मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। उद्योगपति ने भी हर खबर को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि मीडिया समाज का आईना है, तो हर खबर की लॉन्चिंग को लेकर उद्योगपति ने भी शुभकामनाएं दी है। अभी आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने हर खबर को बधाइयां दी है। उन्होंने कहा है कि मीडिया समाज का आईना होता है। तो हर खबर को बधाई मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सज्जन कुमार जैन ने भी हर खबर हरियाणा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज का आईना होता है। उन्होंने हर खबर को बधाई भी दी है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। खबरें,